हेलो <coughs> हो गया लाइव नमस्कार जी सभी लोगों को क्या हालचाल है आप लोगों के कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट में आइए जल्दी से और ये भी बताइए कि लास्ट टॉपिक में कहाँ तक हो गया था मतलब इसका तो मुझे पता है वो लाइव क्लास वाली याद आ गई मतलब पेड़ बैचेज वाली लास्ट टॉपिक कहाँ तक हो गया था पहले ये बताओ कल का टॉपिक कैसा रहा आप लोगों को पूरा समझ आया अंडमान निकोबार के बारे में क्योंकि स्पेशली हमने वहाँ फोकस किया था अंडमान निकोबार के जूलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में इस पेज को रिफ्रेश कर दे वेटिंग दिखा रहे हैं अंडमान निकोबार के जूलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जहाँ हम लोगों ने क्या सीखा था हमने सीखा था कि जो अंडमान निकोबार है स्पेशली वो किसके कारण बना हुआ है तो आपका आंसर होगा इंडियन प्लेट और वर्मी प्लेट के कोलिजन का रिजल्ट है और इसी का जो नॉर्थ पार्ट है वो कहाँ से है तो आपका आंसर होगा जो नॉर्थ पार्ट है वो है म्यांमार में जैसे रखाइन माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है जबकि इसी का जो सदर्न पार्ट है वो कहां पर है सदन पार्ट है इंडोनेशिया के पास में पड़ता है मैंटावई मेंट, रिज करके पड़ता है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पास में स्थित है, है और आज आप लोगों की क्लास है कल क्लास नहीं है परसों क्लास नहीं अब सीधा क्लास मंडे को लूंगा मैं है ना फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहेगा आपका हर वीक और मंडे को जो मैं क्लास कराऊंगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मैं उसमें टॉपिक पढ़ाने के बजाय जो मैंने अब तक आपको ये टोटल करवा दिए हैं यूनियन टेरिटरी इनका मैं क्वेश्चन पेपर तैयार करके मतलब एक पूरे क्वेश्चन सेट करके आप लोग सारी क्लास कंप्लीट कर लेना नोट्स बना लेना इसके तो उसके ना क्वेश्चन करवा देंगे ठीक है इसके क्या करेंगे फिर क्वेश्चन करवा देंगे जिससे आप लोगों को और बेहतर तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए ओके okay? तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था आज का जो हमारा टॉपिक है लक्षद्वीप है और टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है हम लोग इसके लक्षद्वीप के साथ साथ हम लोग मालद्वीप को भी कवर कर लेंगे और लक्षद्वीप मालदीप के साथ साथ क्या नाम है एक और आइलैंड के बारे में पढ़ा दूंगा मैं जिसका नाम है डियागो गोरसिया आइलैंड यानी कि हम लोग टारगेट करेंगे कि लक्षद्वीप को उसके करोस्पॉन्ड जितने भी या उसके सराउंडिंग में जो आइलैंड्स हैं उनके साथ हम लोग आसानी से रिलेट कर पाए ओके चलिए अच्छा एक और चीज बताओ ऐसा तो नहीं लगता कि एक स्टेट के बारे में इतना सारा पढ़ना ये वो ऐसा कुछ माइंड में तो नहीं आता कि इतना क्यों पढ़े एक स्टेट के बारे में सर कितनी क्लासेस हो चुकी हैं मैंने क्लासेस करा दी लद्दाख करा दिया जम्मू कश्मीर करा दिया अंडमान निकोबार करा दिया तीन के करीब क्लास हुई होंगी क्यों भाई ऐसा तो नहीं आता कि इतना सब कुछ पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा क्या है हुँ? इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है क्या है? अच्छा ठीक है नहीं नहीं सर उल्टा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में आपसे अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद कभी कभी लगता है कभी कभी तो कुछ भी लगता है हमें कभी कभी तो हमें लगता है हम ही मोदी जी हैं तो कभी कभी पे तो जाना ही नहीं है <laughs> क्यों पंकज का कमेंट आ रहा है प्रूडेंस का स्टूडेंट है सर आपके बड़ा पुराना है चीता है फिर तो है हाँ भाई मारकर दे दे भाई और एक गिलास पानी जल्दी मंगवा बहुत मजा आता है अच्छी बात है अगर आप पढ़ाई में अपनी में बहुत तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं सारी चीजों को समझ रहे हैं तो इससे बेटर और क्या हो सकता है आपके लिए है ना चलिए बताइए मुझे लक्ष्यदीप के बारे में एक दो पॉइंट बताइए फिर मैं अभी तुरंत लक्षदीप को शुरू करता हूं और उसमें हम कई सारे बेसिक पॉइंट्स को सीखेंगे ओके सबसे पहली बात जो लक्षद्वीप है वो क्या है वो हमारा यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप का पहले नाम क्या हुआ करता था तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप का पहले नाम हुआ करता था लक्डीप क्या नाम हुआ करता था लक्षद्वीप का लक्डीप नाम हुआ करता था और उन्नीस में इसका नाम लक्डीप से चेंज करके क्या कर दिया लक्षद्वीप कर दिया गया और अगर आपसे पूछा जाता है इसके बारे में तो आप क्या बोलोगे सर ये हमारे इंडिया का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इसके पीछे कारण है क्योंकि इसका जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है समझ रहे हैं है ना सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका अब बात यह आती है कि इसको लक्कडीप क्यों कहा जाता है बताओ कमेंट करके लक्डीप कहने के पीछे कारण क्या है एक ये क्या लिख रहा है भाई शिवम यादव मैं आपके कमेंट कई क्लासों से मैंने नोटिस किए हैं आप यहां कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हो जिसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता जैसे अभी आपने लिख रखा है जानवर होते हैं थोड़ी देर पहले आपका कमेंट आ रहा था कि रक्षाबंधन के बाद पढ़ाना आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत है अगर ऐसा है कि नहीं आपको लगता है कि लिखने की जरूरत है ही है तो कोई दिक्कत नहीं फिर तो आप लिख सकते हो और नहीं लगता ना तो भाई अपने आप को संभाल कौन सी दुनिया में जा रहा है लोग पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब से पढ़ पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं ठीक है कौन से रास्ते पे डाल रहा है अपने आप को <स्थ> चलिए जी शुरुआत करते हैं लक्षद्वीप देखो ध्यान से सबसे पहला पॉइंट यह है क्या तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप जो है यह एक यूनियन टेरिटरी है हमारे इंडिया का तो मैं सबसे पहले यही लिखता हूं स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना ये क्या है तो आपका आंसर होगा भारत का भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये क्या है हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है आगे बढ़े नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा एरिया पूछा जाएगा आपसे इसका एरिया कितना है तो एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर ओल्ड नेम पूछा जा सकता है आपसे है ना पुराना नाम क्या था तो आप तुरंत बताओगे सर पुराना नाम जो था इसका वो था लकडी जो पुराना नाम था इसका क्या था लकडीप था नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगर हम यहां के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर सेंसस के अकॉर्डिंग हम इसकी पॉपुलेशन देखेंगे तो कितनी है तो जो पॉपुलेशन है यहां की वो समथिंग अबाउट सिक्सटी एट थाउजेंड के करीब है और इस पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो किस रिलीजन से बिलोंग करती है तो आपका आंसर होगा जो पॉपुलेशन है यहां पे 90 परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है मुस्लिम जनसंख्या है यहां की कितनी 90 परसेंट अब इस पॉपुलेशन में अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे यानी कि साक्षरता दर कितनी है तो उसको भी समझ लेते हैं अगर हम बात करेंगे यहां पर लिटरेसी रेट की कितना है यहां की यानी कि साक्षरता दर कितनी है तो जो साक्षरता दर है यहां की वो लगभग 91% परसेंट है आप देख रहे हो कितनी बेहतर है लगभग 90 टू 91% परसेंट के समथिंग अबाउट है वहीं अगर मैं यहां के सेक्स रेशियो की बात करूंगा यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है तो लगभग 946 के करीब है यहां का जो सेक्स रेशियो यानी 946 फोर्टी सिक्स अपॉन वन थाउजेंड बात क्लियर है यहां तक चलिए जी आगे अगर मैं बात करूंगा तो लोकेशन कहां पर है इस लक्षद्वीप की तो ध्यान से सुनना लोकेटेड लोकेटेड एट जंक्शन पार्ट भी कह सकते हो बिटवीन भी कह सकते हो लोकेटेड लोकेटेड बिटवीन अरेबियन सी एंड लकडीप सी ठीक है कहां पर है ये तो आपका आंसर होगा अरब सागर और लकडीब सागर के बीच है इन दोनों के जंक्शन पार्ट पर अब इसे अगर आप इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें क्या आएगा तो ध्यान से सुनना मतलब कि ईस्ट में क्या होगा इसके तो ईस्ट में तो पड़ता है लकडीप सी और इसी के वेस्ट में क्या है तो आपका आंसर होगा अरेबियन सी मोस्ट ऑफ आप अरेबियन सी अगर लगाओगे कि कहां स्थित है अरेबियन सी में कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं क्योंकि मुख्य क्षेत्र जो है यहां पे वो अरब सागर वाला है अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना मैं यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं कि जो लक्षद्वीप है ये किसका एग्जाम्पल है तो आपका आंसर होगा मैं लिख रहा हूं एक पॉइंट यहां पर एग्जाम्पल ऑफ Atoll island ये क्या है तो आपका आंसर होगा ये एटोल द्वीप का उदाहरण है क्या है ये एटोल द्वीप का उदाहरण है क्लियर है जी अब इस बात का क्या मतलब है एटोल द्वीप का और ये सब कहां से आया क्या है इस चीज को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखो ध्यान से सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे मरीन इकोसिस्टम की तो मरीन इकोसिस्टम में एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जिसे कहा जाता है कोरल प्रवाल कहा जाता है और जो प्रवाल होता है ध्यान से सुनना जो प्रवाल होता है वो कॉलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है स्पेशल क्वालिटी क्या होती है ग्रुप में रहते हैं दूसरी क्वालिटी क्या होती है उनमें लोकोमोशन पूरी तरह से नहीं हो पाता और तीसरी क्वालिटी क्या है तीसरी क्वालिटी यह है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करते हैं अब बात ये आती है कि ये ये रहते रहते कहां पर है सर याद रखना ये रहते हैं पहली बात वाटर होना जरूरी है इनके लिए दूसरी बात ज्यादा गहरा पानी नहीं होना चाहिए इनके लिए सैलो वाटर होना चाहिए सैलो वाटर का मतलब उथला जल यानी पानी ज्यादा गहरा ना हो मैं थोड़ा सा लिखता हूं इसके बारे में देखो ध्यान से सबसे पहले कोरल से समझना शुरू करते हैं प्रवाद तो जो प्रवाल है ये प्रवाल कहां पाए जाते हैं तो आपका आंसर होगा प्रवाल जो है ये है मरीन ऑर्गेनिज्म समुद्री जीव है ठीक है कहां पे पाई जाती है ये तो आपका आंसर होगा फाउंड इन सलाइन एंड सैलो वॉटर ठीक है आप लिखोगे यहां ये किस में पाए जाते हैं तो आपका आंसर होगा लवणीय और उथले जल में पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं वणी और उथले जल में पाए जाते हैं ऐसा क्या कारण है कि ये उथले जल में ही पाए जाते हैं और लवणीय जल में पाए जाते हैं तो पता है इसके पीछे कारण क्या है लवणीय जल में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इससे ये क्या करते हैं ऑप्टेन करते हैं मिनरल्स ठीक है ना क्या करते हैं इससे ये? खाने के लिए खनिज प्राप्त करते हैं और याद रखना सेलिनिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए मॉडरेट सेलिनिटी होनी चाहिए मैं लिख देता हूं कैसी होनी चाहिए मॉडरेट होनी चाहिए ठीक है ना मॉडरेट होनी चाहिए यानी कि मध्यम होनी चाहिए अब एक बात सोचना आप बोलोगे कि सर अगर ऐसा है कि जो मिनरल्स पानी में पाए जाते हैं वे मिनरल्स इनको भोजन उपलब्ध करा रहे हैं तो इसका मतलब तो फिर डेड सी में बहुत ज्यादा होना चाहिए डेड सी में फिर तो कोरल बहुत ज्यादा विकसित होने चाहिए लेकिन वह नहीं है कारण क्या इसके पीछे कारण समझना मेरे दोस्त कारण यह कि अगर सैलिनिटी हाई होगी सैलिनिटी कैसी है बहुत ज्यादा है अगर लवणता कैसी है ज्यादा अगर लवणता ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में फिर उसका टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा वाटर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा अगर सैलिनिटी ज्यादा है तो और जब सैलिनिटी ज्यादा है, वाटर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऐसी सिचुएशन में जो कोरल है ना वो कोरल क्या हो जाएंगे भस्म हो जाएंगे है ना मैं लिख देता हूं क्या हो जाएंगे ये बर्न आउट यानी कि ये जल जाएंगे तो याद रखना इनकी कंडीशन क्या बताई मैंने सैलिनिटी मॉडरेट होनी चाहिए टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए तभी ये ग्रो करेंगे और ये भी कंडीशन है कि वाटर डीप नहीं होना चाहिए सेलो वाटर होना चाहिए जिससे कि इनको सनलाइट लगातार मिलता रहे अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये जो कोरल हैं ध्यान से सुनना क्या ये पूरी तरह से अपना न्यूट्रिशन मरीन इकोसिस्टम से ऑब्टेन कर लेते हैं तो आपका आंसर होगा नहीं कर पाते ये सिंबायोटिक टाइप के होते हैं गौर से सुनना मेरी बात को एक होता है ज़ूज़ेंथली एल्गी एक होता है जुजेंथली सहवाल और एक होता है जुजेंथली सहवाल के साथ साथ कोरल ठीक है यानी कि प्रवाल ये दोनों मिलजुल कर रहते हैं कैसे रहते हैं मिलजुल कर इस चीज को भी समझ लो जुजेंथली सहवाल इसको 60% परसेंट फूड प्रोवाइड कराता है और डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराता है बदले में प्रवाल क्या प्रोवाइड कराता है इसको तो आपका आंसर होगा हैबिटेट एरिया आवास स्थल आवास स्थल का मतलब समझ में आ रहा है बेहतर रहने की जगह जो होगी वो कौन डिसाइड करेगा प्रवाल डिसाइड करेगा उसके बाद में खाने का इंतजाम कौन करेगा एलगी करेंगे कितने परसेंट सिक्सटी परसेंट और जो मैं आपसे कह रहा था कि मिनरल से फूड ऑप्टेन करते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप की होती है ये अब शोषक होते हैं तो याद रखना 40 जो फूड होता है कोरल वो क्या करता है इस कोरल यहां से इसको एब्जॉर्ब करता है खुद प्राप्त करता है साठ परसेंट खुद प्राप्त करता है बाकी बचा हुआ सेवल तैयार करके इसको दे देते हैं बात क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं मैंने कहा ग्रुप में रहते हैं और जब ये ग्रुप में रहते हैं तो जब ये मरते हैं ना तो याद रखना जैसे ये फर्स्ट यहां पे दिखने में ऐसे होते हैं यूं ऐसे यूं ऐसे यूं ग्रुप में रहेंगे एकदम से सारे के सारे मर जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट युक्त तो यहां पर ये कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते रहते हैं तो चट्टन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो इन्हीं के ऊपर रहेगी अपने पुरखों की छाती पर ही रह रही होगी यहां से इनको न्यूट्रिशन मिलता है ऐसा इसलिए होता है फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ध्यान से सुनना फिर से इसी पे जमते चले जाएंगे और इनके जो नीचे वाले है, इसका सॉलिडिफिकेशन होता चला जाता है तो मैं ये कह सकता हूं कि इनके जो फोशिल्स होते हैं इनके जो स्केलेटल होते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि ये चट्टान में बदल जाते हैं और जब ये पानी से बाहर आ जाते हैं तो फिर इन्हीं को आइलैंड का नाम दिया जाता है बात समझ में आ रही है हीं को क्या कहा जाता है आइलैंड का नाम दिया जाता है मैं इस बात को लिख देता हूं देखो स्केलेटल होगा इनका कंकाल होगा इनका इस कंकाल का सॉलिडिफिकेशन होगा यह कंकाल ठोस होगा ठोस होकर किसमें बदल जाएगा यह रॉक या चट्टान में बदल जाएगा और जो ये चट्टान होगी इसी चट्टान से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे कोरल फ्रिंज एक होता है इसी में रीफ और एक होता है एटोल अब एटॉल का मतलब क्या होता है इस बात को समझो एटोल का मतलब होता है कि ऐसा कोरल जैसे ये वाला कोरल ऐसे ही तो इधर भी कॉर्नर निकला हुआ है इधर भी कॉर्नर निकला हुआ है बीच में पानी भरा हुआ है तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा किसी भी आइलैंड का जो कोरल के सेडिमेंट डिपोजिशन से बना हुआ है उसे क्या कहा जाएगा उसे एटोल आइलैंड कहा जाएगा यानी कि आप इस चीज को देखना ध्यान से सुनना मैं जो बताना चाह रहा हूं एटोल का मतलब क्या होगा एटोल का सीधा सीधा यहां मतलब यह होता है कि आसपास ऐसे यूं कोरल का डिपोजिशन होगा ऐसे यू ये कोरल का डिपोजिशन हो गया ठीक है जी ये कोरल का डिपोजिशन हो गया यहां यू और बीच में ना इसमें पानी भरा हुआ होगा और इस पानी वाले भाग को क्या कहा जाता है लेगून कहा जाता है ओके मैं लिखता हूं इस भाग को यहां पे, देखो ध्यान से ये क्या है कोरल डिपोजिशन ये है कोरल डिपोजिशन और बीच में जो भाग है इसको क्या कहा जाता है लेगून कहा जाता है अब आप एक चीज देखो यह आकृति कैसी लग रही है ऐसा नहीं लग रहा है जैसे घोड़े के पैर का जो खोर होता है जैसे नाल बोल देते तो इसीलिए एटोल का मतलब लिखा जाता है हॉर्स सूसी हॉर्स सुसीब आइलैंड सारे लोग कमेंट में आओ एक बार जल्दी से और मुझे ये बताओ पूरा समझ में आया या नहीं आया अब तक मैंने क्या बताया आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ये सारी चीजें क्यों बताई क्योंकि लास्ट में हमें रिलेट करनी है देखो ध्यान से मैंने बताया कि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है एरिया बत्तीस किलोमीटर स्क्वायर है पुराना नाम क्या है इसका लकडीप है आगे मैंने बताया कि इसके ईस्ट में लकडीप सी है वेस्ट में अरेबियन सी है एटोल आइलैंड का एग्जाम्पल है सेक्स रेशियो क्या है यहां का लिटरेसी क्या है पॉपुलेशन क्या है और आगे फिर मैंने आपको यह बताया ध्यान से सुनना कि कोरल होता क्या है है ना और ऐसा क्या कारण है कि मतलब आप ये बात बताओ बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के डेल्टा के पास कोरल पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा क्यों क्योंकि वहां गंगा जल गंगा नदी का बड़ी मात्रा में जल आ रहा है जो कि ब्रैकिश वाटर बोला जाता है जहां शुद्ध जल आ रहा होता है वहां कोरल नहीं पनपते क्यों नहीं पनपेंगे तो पूरा पूरा बात समझ में आ रही है डेड सी में क्यों नहीं कोरल आईलैंड बन रहे इसके पीछे कारण क्या है कोरल आइलैंड जो है वो डेड सी में क्यों नहीं है तो इसके पीछे कारण होगा क्योंकि कोरल नहीं है कोरल क्यों नहीं है टेम्परेचर ज्यादा सॉरी सैलिनिटी ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा खत्म लाइफ है ना आपसे पूछा जाएगा सुंदरबन के डेल्टा के पास कोरल क्यों नहीं विकसित हुए है ना आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी एक बड़ी नदी जहां अपना मुहाना बनाती है क्या उस मुहाने वाले क्षेत्र में कोरल विकसित होने की संभावना है आपका आंसर होगा नहीं होगी क्योंकि वाटर मूवेबल होगा स्टैटिक कंडीशन में वाटर होगा नहीं और जब वाटर मूवेबल होगा तो वहां पे सैलिनिटी भी कम होगी है ना क्योंकि फ्रेश वाटर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में कोरल विकसित नहीं होंगे अब भाई साहब बड़ा दिमाग खराब होता है कभी कभी आईडी बना रखिए भूत को खैनी खिलाने वाला बाबा <laughs> जय हो प्रभु बंगाली बाबा तो नहीं है मंचा प्यार और वसीकरण स्वतंत्र से छुटकारा वो सब दिलवा दे क्यों वे हाजी <laughs> क्या बता रहा था ना भूल गया हाँ जी अब एक बात बताओ यार तू गजा <laughs> इंदु नाम से कमेंट आ रहा है सर ऑक्सबो क्या होता है ऑक्सबो लेक होती है जो नदी बनाती है वो चीज अलग है वो स्थल पे बनता है है ना चलिए जी अब देखो ध्यान से कोरल का एक्चुअल में कलर कैसा होता है कोरल का एक्चुअल में कलर व्हाइट होता है अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ठीक है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये निपट जाता है जल्दी ठीक है फट से मर जाता ये और जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण फट से मर रहा है वैसे कैसे कलर थे इसमें बहुत सारे कलर थे ठीक है अब कोरल कैसा हो जाएगा फिर आप समझ जो आप यहां पे क्या ना यहां भाई साहब भयंकर लेवल की यहां पे क्या हो रहा है यहां पे बिछड़न हो रहा है यहां पे जितने भी जिंदगी में रंग थे वो सब इनकी वजह से थे ये जिंदगी से निकल गए बस बेरंग हो गए इसी को फिर एक नया नाम दे दिया गया क्या नाम है एनवायरमेंट की लैंग्वेज में इसी कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कलर फेड करना और इसमें क्या था डिफरेंट कलर कलर फेड क्यों हो गए मर गया वो तो याद रखना क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो फ्रिंजिंग सॉरी यहां पे जो कोरल रीफ है उनका कलर व्हाइट हो रहा है और इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग ऑफ कोरल बात क्लियर है यहां तक ब्लीचिंग ऑफ कोरल कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा कहां हो रही है पैसिफिक ओशियन में हो रही है और धीरे धीरे इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ती जा रही है आगे बात समझ में चलिए जी एटोल का तो एग्जाम्पल मैंने दिया और ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है इसका आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कोरल सी में दूसरी बात विश्व का सबसे बड़ा एटोल कहां पर है तो आपका आंसर होगा मार्सल आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन में पड़ता है ठीक है प्रवाल की हिंदी क्या होती है प्रवाल की हिंदी मूंगा होती है कॉन्ग्या अब आ जाओ सर ये यहां पर कैसे विकसित हुए हां भाई कांगया भूत को खैनी खिलाने वाला बाबा? जोग्रफी की दुनिया से कुछ रिलेशन है बाबा आपका या बिल्कुल ही देखो ध्यान से जो हमारा ये इंडियन ओशियन है इस इंडियन ओशियन में लगभग यहां से यूं एक रिज है रिज का मतलब समझ आता है आपको हालांकि यहां पे एक रिज इधर भी है पर उस पर हमें नहीं जाना यह जो रिज है इस रिज को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर होगा इस रिज का नाम है मैं लिख रहा हूं चागोस लकडी रिज। चागोस लकड़ी ब्रिज है और याद रखना मेरे दोस्त जो ये चागोस लकडी ब्रिज है इसी के ऊपर यहां ये बसा हुआ है हमारा क्या लक्षद्वीप इसी का पार्ट माना जाता है मालद्वीप और इसी का पार्ट यहां पे माना जाता है डियागो गोरसिया क्या माना जाता है डियागो गौरसिया बात क्लियर है यहां तक सचिन कुमार का कमेंटर है मैं आपके गांव से हूं सर हाँ सच में चल बढ़िया भाई आ रहा हूं मैं कल हाँ जी अब ये बना कैसे इस चीज को समझ लो यहां पे सर हम ये मान लेते हैं कि पानी के अंदर लकडी ब्रिज है तो ये पानी रिज का मतलब क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता बता दू पानी के अंदर पहाड़ होता है तो आप ऐसे समझ लो इस पूरे के पूरे के एरिया में पानी भरा हुआ है अब जब इस पूरे के पूरे के एरिया में पानी भरा हुआ है तो एक सोचकर देखो आप कोरल कहां रहेंगे अरे अभी मैंने पीछे क्या लिखा हुआ है कोरल कहां रहेंगे तो ध्यान से सुनना कोरल रहेंगे कहां पे? कोरल रहेंगे किस जगह पर मैंने क्या कहा पानी कैसा होना चाहिए सैलो होना चाहिए सैलो वाटर होना चाहिए गहरा नहीं होना चाहिए ठीक है ना अब है कृष्णा नाम से कमेंट आ रहे मॉरिसस नहीं है बताऊं अभी मॉरिसस कहा होगा मॉरिसस तो यहां के होगा ना चागोस लकडी ब्रिज से आ, क्या नाम है एक्चुअल में मॉरिसस जो है इसकी लोकेशन थोड़ी सी आउट है इस वाली रिच से हाँ भाई <coughs> यहां देखो ध्यान से अब ये कोरल यू डिपोजिट होते चले गए ऐसे यू और बाहर की तरफ निकल गई यहां और डिपोजिट हुए ये एस यू तो और ये वाली जो रिज है इस रिज का नाम क्या है तो आपका आंसर होगा लकड़ी क्या नाम है इसका लकड़ी तो याद रखना इसके जो डिपोजिशन से आइलैंड बनेगा ये वाला कौन सा हो जाएगा लक्षडी और ये जो बना यही कहलाएगा मालद्वीप अब क्योंकि इन दोनों के बीच में यहां पानी भरा हुआ है तो इसी पानी वाले भाग को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है एट डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मालद्वीप को कौन अलग करता है तो तब आपका आंसर होगा लक्षद्वीप और मालद्वीप को एट डिग्री चैनल अलग करता है अब समझ में आया आप लोगों को कि एक्चुअल में लक्षद्वीप का यह नाम लक्डी पहले क्यों हुआ करता था पूरी तरह से क्लियर हुआ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए अब बात करते हैं कि जो लक्षद्वीप है इसमें टोटल आइलैंड्स हैं कितने तो याद रखना टोटल आइलैंड जो है ये है थर्टी सिक्स कितने हैं? टोटल आइलैंड जो है ये है थर्टी सिक्स और इसमें से केवल टेन आइलैंड ऐसे हैं इन थर्टी सिक्स आइलैंड को तीन ग्रुप में बांटा जाता है नॉर्थ मिडिल और साउथ नॉर्थ में जो आइलैंड है इनको रखा जाता है अमीनी अमीनी द्वीप के अंतर्गत रखा जाता है मिडिल बालों को रखा जाता है लकड्वीप के अंतर्गत साउथ बालों को रखा जाता है मिनिकॉय के अंतर्गत तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं इनको हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों में तीनों के नाम लिखे हुए हैं और इनमें से छत्तीस में से केवल टेन आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर मानव रहता है यानी कि ये आइलैंड ऐसे हैं जो कि इनहेविटेट है कैसे हैं ये इनहेबिटेट है यानी कि आवास युक्त है ठीक है ना हैबिटेट है यानी कि आवास युक्त है हाँ जी पूरा नोट हुआ ये तो आपको पहले से पता होगा ऑलमोस्ट इसके बारे में क्योंकि ये सारी चीजें वो हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो सर एनवायरमेंट वाला बैच बंद कर दिए क्यों नहीं तो आज भी क्लास लिए मैंने एनवायरमेंट वाले बैच में तो चल तो रही उसमें आज बायोम वाला चैप्टर शुरू किया था मैंने आगे बढ़े चलो अब देखो इसमें मेजर आइलैंड्स की क्या कंडीशन है यह है देखो सबसे नीचे तो मिनीकॉय है ये यहां पर एक चैनल है जिस चैनल का नाम है नाइन डिग्री चैनल ऊपर के ग्रुप से अलग करता है ठीक है नाइन डिग्री चैनल क्या करता है यह जलीय बहाव है जो ऊपर वाले ग्रुप से इन सबको अलग करता है नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये यहां केरल के कोची है ये कोची यानी केरल के लो आप सीधा सीधा यह केरल से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आगे बात समझ में कहां पर है केरल से 400 किलोमीटर की दूरी पर है और याद रखना सबसे नजदीक जो आइलैंड माना जाता है लक्षद्वीप का वो कौन सा है तो जब आप यहां से देखोगे तो सबसे नजदीक कौन सा हुआ एंड्रोथ हाँ या ना मैं लिख रहा हूं यहां पे इन आइलैंड्स में क्या खास है देखो एंड्रोथ आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो जो एंड्रोथ आइलैंड है ये है लार्जेस्ट आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है ना ये क्या है तो आपका आंसर होगा ये है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ठीक है जी ये क्या है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा ये किसके नियरेस्ट है तो आपका आंसर होगा नियरेस्ट टू द कोची ये कहां पर है सर कोची के नजदीक है ठीक है कहां पर है ये कोची के नजदीक स्थित है आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा ध्यान से देखना नेक्स्ट <coughs> अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहां पे दिख रहा है बित्रा आइलैंड साफ दिख रहा है बित्रा आइलैंड जो कि सबसे नॉर्थ में दिखाई दे रहा है अगर मैं बात करूंगा इसके बित्रा आइलैंड की तो जो बित्रा आइलैंड है ये है लक्षद्वीप का स्मॉलेस्ट आइलैंड ये क्या है तो आपका आंसर होगा ये है सबसे छोटा द्वीप ठीक है ये क्या है सबसे छोटा द्वीप है नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक यहां पे और आइलैंड पड़ता है इस मैप पे नहीं दिया पिट्टी आइलैंड लक्षद्वीप का एरिया बेसिक कम है लेकिन याद रखना यहां लक्षद्वीप की जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहां की ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट है यानी कि अगर हम देखेंगे यहां पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं बट प्रॉब्लम ये कि एरिया कम है है ना तो जब एरिया कम होगा तो ऐसी कंडीशन में यहां पे बायोडाइवर्सिटी तो लिमिटेड ही पाई जाएगी ना क्योंकि फॉरेस्ट नहीं हो पाएंगे अगर फॉरेस्ट होते हैं तो फिर एरिया तो फिर वहां पे बायोडाइवर्सिटी खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है लेकिन फिर भी जो पिट्टी आइलैंड है यहां पर एकमात्र यहां का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है याद रखना लक्षद्वीप में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केवल एक ओके तो मैं लिख देता हूं ओनली वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केवल एकमात्र यहां का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और किस नाम से तो आपका आंसर होगा पिट्टी नाम से है नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहीं पर ध्यान से सुनना ये जो आपको साफ दिखाई दे रहा है ये कौन सा है अमीनी है है ना कौन सा है अमीनी ये अमीनी द्वीप है नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां एंड्रोथ के बारे में बता दिया ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है काबरत्ती काबरत्ती पर आ जाते हैं काबरत्ती की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है यहां का कैपिटल आइलैंड है ये क्या है यहां की राजधानी है पूरे के पूरे लक्षद्वीप में एक गंभीर समस्या जो है वो ये है कि यहां पर स्लाइन वॉटर है अब समस्या ये आई कि यहां का जो स्लाइन वॉटर है इस स्लाइन वॉटर को क्या करना पड़ेगा भाई अगर आप यहां पे बाकी में टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हो तो ये जो स्लाइन वॉटर है आपको ये ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हर हाल में तो यहां सरकार ने क्या किया है सरकार ने यहां पे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है ध्यान से सुनना लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट यानी कि निम्न ताप तापीय अलवणीकरण योजना ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की है सरकार ने इसमें टारगेट क्या रखा जा रहा है ध्यान से सुनना टारगेट इसमें यह रखा जा रहा है कि यहां का जो स्लाइन वाटर है इस स्लाइन वाटर को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें फ्रेश वाटर में आगे बात समझ में और ये प्लांट कहां पर है कावार में बात समझ में आ रही है नहीं ये कहां पर है काबारत्ती में ठीक है और इसमें मदद कौन कर रहा है तो आपका आंसर होगा इज़राइल जराइल की सहायता से ठीक है किसकी सहायता से किया जा रहा है इसराइल की सहायता से किया जा रहा है आगे बढ़े नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अमीनी आइलैंड है इसी के अंतर्गत आता है एक चेरिया पानी जो चेरिया पानी जगह है यहां पर है वर्ल्ड्स फर्स्ट सी कुकंबर कंजरवेशन यहां पर बनाई गई है विश्व का पहला समुद्री खीरा संरक्षण केंद्र समुद्री खीरा की अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है समुद्री खीरा जो है ये आता है ध्यान से सुनना वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है और चाइनीज कंट्री जो है यानी ईस्ट एशियन कंट्री जो है इसकी बहुत डिमांड करते हैं क्योंकि ये खाने में उन लोगों के लिए सी फूड में बहुत टेस्टी माना जाता है और वहां की जो हम कह सकते हैं एक तरह से वहां पे जो क्या नाम है मेडिसिन बनाई जाती है ना उसमें इसका यूज किया जाता है और एनर्जेटिक <coughs> फूड माना जाता है ये इसलिए इसकी तस्करी होती है जबकि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इस बात को कहता है कि ये रेयरेस्ट होता जा रहा है तो हम इसका क्या नहीं कर सकते स्मगलिंग नहीं कर सकते तो खास करके तमिलनाडु के आसपास ये वाली स्मगलिंग लगातार पकड़ी जाती है ठीक है ना तो IUCN के अकॉर्डिंग क्या है वर्ण रिवर की कंडीशन में है तो इसे प्रोटेक्शन देने के लिए विश्व का एकमात्र यहां पर सी कुकंबर पार्क भी कह सकते हो आप इसको या सी कुकंबर एरिया है ये, ठीक है जिसका यहां पे क्या किया गया प्रोटेक्शन एरिया है पूरा नोट करो ये अकशेरुकी जीव है जी आगे बढ़े इसकी आकृति खीरे जैसी होती है इसलिए इसको सी कुकम्बर कहा जाता है इसका स्पेशली नाम क्या रखा गया <coughs> मोहम्मद कोया मोहम्मद कोया कौन थे केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये कंजर्वेशन रिजर्व ठीक है मोहम्मद कोया कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है आगे बढ़े ब्लू टैग बीचेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा लक्षद्वीप के दो बीच हैं तो है मिनी कॉय थुंडी बीच और एक है कदमत बीच इसको किसमें शामिल किया गया ब्लू टैग बीच में शामिल किया गया है ठीक है इसे किस में शामिल किया गया ब्लू टैग बीच के ब्लू टैग बीच में शामिल किया गया है और प्रेजेंट टाइम में इंडिया में टोटल कितने हैं इंडिया में टोटल है ट्वेल्व नाइन डिग्री चैनल के बारे में एक स्टूडेंट पूछ रहा है किस किस को अलग करता है तो मिनिक्वाय आइलैंड जो है इसे काबरत्ती से अलग करता है ठीक है मिनिकॉय आइलैंड को काबरअत्ती से अलग करता है आगे बढ़ जाए एक और पॉइंट समझ लो इसी में <coughs> यहां से ना ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जा रहा है इसको सबमरीन इसको बोला जाता है कोची लक्षद्वीप समरिन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट इसका टारगेट क्या है टारगेट है इसका जो यहां पर इंटरनेट फैसिलिटी है उसको यहां पे क्या करना प्रॉपर तरीके से ठीक करना 5G स्पीड का यहां पे इंटरनेट प्रोवाइड कराना ठीक है सेम जिस पैटर्न पे मालदीव बना हुआ है सॉरी हमारा लक्षद्वीप बना हुआ है इसी पैटर्न पे मालदीव बना हुआ है और अभी फिलहाल में मालदीप का बाइकॉट का भी वो चला था क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करेंगे वहां की टोटल इकोनॉमी में लगभग चौदह परसेंट के समथिंग अबाउट जो कंट्रीब्यूशन होता है ना चौदह परसेंट के समथिंग अबाउट जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल इकनी में इकोनॉमी में वो इंडियन टूरिज्म के कारण होता है वो मैटर आपको बताइए क्योंकि मोदी जी गए थे वहां पर मालदीप में सॉरी यहां लक्षद्वीप में तो उन्होंने कुछ वहां के फोटो को कंपेयर किया सॉरी उन्होंने पोस्ट की उस पोस्ट को लेकर के थोड़ा सा वो पोस्ट जब वायरल हुई तो वहां के कुछ मंत्रियों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया था कि वहां होटल्स में से बदबू आती है ये वो मतलब वो मतलब एक राजनीतिक मुद्दा बनता चला गया था और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण ये था क्योंकि इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है इसराइल का ठीक है इसराइल और हमास में युद्ध छिड़ा हुआ है और मालदीप कही कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है हमास का तो कह देते ना वो थोड़ा सा घूम फिर के होता है कि दुश्मन का दुश्मन ऐसे इस टाइप से करके एक वो एक जियो एस्पेक्ट वहां पर जोड़ दिया गया हालांकि जब मालदीव को बुरी तरह से बाइकऑट किया गया तो मामला लेवल में है अब ध्यान से सुनना एक बात मालदीव अगर भारत के संबंध मालदीव से खराब होते हैं तो एक नुकसान भारत को हो सकता है नुकसान यह हो सकता है कि चाइना वहां पे तुरंत अपना इन्फ्लुएंस मतलब चाइना कैप्चर कर लेगा और मालदीप में चाइना की स्थिति मजबूत होने का मतलब यह कि भारत की सिक्योरिटी पर हल्का सा क्या नाम है है वहां डामाडोल की कंडीशन हो सकती है क्योंकि चाइना लगातार इंडियन ओशियन में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है इसके पीछे कारण भी है क्योंकि मैगनीज नोड्यूल्स जो हैं है ना पॉलीमेटलिक मैग्नीज नोड्यूल्स जो है वो हमारे भारत को अधिकार मिला हुआ है इंडियन ओशियन <coughs> में से एक्सट्रक्ट करने का तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उधर साउथ चाइना सी पर पूरी तरह से चाइना का अधिकार है लगभग इधर तक चाइना आ चुका है ठीक है तो वैसे ही आपको यह भी बताओगा होगा कि श्रीलंका का हम्बन टोटा जो है वहां पर चाइना है ही है कहीं ना कहीं भारत के लिए यह बुरी स्थिति उत्पन्न कर सकता है और यही कारण है कि इंडिया अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उधर साइड मलक्का स्टेट की तरफ Uh, मैंने कल भी बताया था कि बहत्तर सौ करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसको एनजीटी रोके पड़ा है ओके okay? नॉटिकल <coughs> क्या होता है समुद्री दूरी नापने की इकाई होती है जहां एक नॉटिकल में 1.85 किलोमीटर होता है ओके okay जी अब ध्यान से सुनना मालदीव के बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो एक और आइलैंड की बात कर रहा था मैं डियागो गोरसिया जो डियागो गसिया है ये कहां पर स्थित है चागोस रिज पर है और एक्चुअल में देखा जाए तो किसका पार्ट है ये पार्ट ऑफ ऐसे लिखा जाएगा मॉरिसस देख लेना मॉरिसस का भाग है 1965 में क्या हुआ अंग्रेजों ने मॉरिसस पर भी अधिकार कर लिया था मॉरिसस आजाद हुआ ठीक है? क्या हुआ? आजाद हुआ किसने आजाद किया ब्रिटेन ने मॉरिसस जब आजाद हुआ तो जो ये डियागो गोरसिया आइलैंड था ब्रिटेन ने 1965 में ही इस आइलैंड को वापस नहीं किया और ब्रिटेन ने दे दिया ये किसको यूएसए को कब 1965 में कितने टाइम के लिए 50 साल के लिए और अमेरिका ने अपनी यहां पे इंडियन ओशियन में सेना बेना लगा के अपना पूरी से तैयारी कर ली अब ध्यान से सुनना 2016 में वापस होना था ये लीज पर दिया गया था लेकिन यूएसए ने वापस नहीं किया और जब यूएसए ने ये वापस नहीं दिया तो यहीं पर विवाद उत्पन्न हो गया किस किस के बीच आपका आंसर होगा एक तो यूएसए और एक मॉरिसस अब भारत के लिए क्या यहां पर <coughs> स्थिति है यहां पर यूएसए अगर न रहे तभी ज्यादा बेटर होगा क्यों ज्यादा बेटर होगा कारण यह है इसके पीछे क्योंकि जब 1971 का युद्ध हुआ था इंडो पाक वॉर उस इंडो पाक वॉर में ध्यान से सुनना यूएसए ने इसी आइलैंड से सपोर्ट किया था किसको पाकिस्तान को कहां से फ्रॉम दिस आइलैंड सभी लोग कमेंट में आ जाओ जल्दी से और मुझे ये बताओ कि पूरा समझ आया नहीं आया अब तक मैंने जो बताया लक्षद्वीप में बेसिकली पढ़ने के लिए इतना ही है क्योंकि 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। यहां की हमने जियोलॉजिकल कंडीशन को समझ लिया यहां की इकोलॉजिकल कंडीशन को समझ ही लिया है ना ध्यान में क्या क्या रखना है ध्यान में एक तो रखना है कि यहां पे कौन कौन से बीच ऐसे है जो कि ब्लू टेक के अंतर्गत आते हैं एक स्टूडेंट पूछ रहा था ब्लू टेक को समझाएं एक्चुअल में ब्लू टेक में ब्लू टेक का मतलब हो गया कि इंटरनेशनल लेवल के बीच है पहले सबसे पहले वहां पे देखा जाता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की क्या कंडीशन है लोग कितने अवेयर हैं दूसरी कंडीशन होती है कि कंजर्वेशन है या नहीं है तीसरी कंडीशन देखी जाती है कि वहां सेफ्टी बढ़िया बेहतर वाली है या नहीं है और चौथी कंडीशन होती है कि वहां पे जो बाथिंग वाटर है नहाने का जो पानी है उसकी क्वालिटी क्या है चार कैटेगरी में डिवाइड करके टोटल थर्टी थ्री पैरामीटर्स होते हैं उसके आधार पर जो बीचेस होते हैं उनको रखा जाता है ब्लू टेक की कैटेगरी में और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भाई मानकर चलो ब्रिटेन से कोई यहां हमारे लक्षद्वीप में घूमने के लिए आना चाहता है तो सबसे पहले वो जो प्रेफर करेगा ना वो ब्लू टेक बीचेस को ही प्रेफर करेगा क्योंकि वो इस बात की आप ऐसे समझ लो इस बात की स्योरिटी देते हैं कि भाई सिक्योरिटी पर्पज से भी बेहतर है तुम बीमार नहीं पड़ोगे इको फ्रेंडली बीच है जाओ जाकर घूमकर आओ समझ में आ रही है तो ये मैंने पूरा करा दिया और अब तक हमारे भारत में है ना अब तक हमारे भारत में टोटल 12 बीचेस ऐसे हैं जो कि ब्लू टैग बीचेस के, के अंतर्गत रखे जा चुके हैं और इतना ही लक्ष्यद्वीप में आप लोगों को स्पेशली पढ़ना है और नेक्स्ट जो मंडे को क्लास होगी अब आपकी कोई क्लास नहीं होगी दो से तीन दिन मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी और उस क्लास में मैंने अब तक जो कराया है उसके मैं क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों को करा दूंगा आपका जो भी सजेशन हो जो भी आप कुछ बेहतर चाहते हो आपको क्लास का जो रिव्यू देना हो वो क्लास एंड होने के बाद में अपना कमेंट सेक्शन में जरूर रिव्यू दें उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बढ़िया चल रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे अगली क्लास में कुछ और बेहतर करेंगे है ना तो चलिए आज इतना ही रखते हैं मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार थैंक यू सो मच और जो एक दो स्टूडेंट है देखो मैं आपको क्लियर कट बात बता दू आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना आज से नहीं जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है पिछले चार पांच साल का मैं बता रहा हूं कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने दस मिनट भी किसी स्टूडेंट के खराब किए हो क्लास में आते ही बस हाई हेलो करने के बाद में, में मेरा सीधा टारगेट होता है कि भाई टॉपिक क्या चल रहा है टॉपिक पर आ जाओ तो सिंपल सी बात है कि फिर मुझे फालतू बातें पसंद नहीं है जब मैं खुद नहीं कर रहा हूं और जब कोई फालतू बात करता है तो फिर गुस्सा आ जाता है डांट दो तो फिर ईगो हर्ट हो जाता है तो आप लोग कोशिश ये करो कि कोई हमें अननेसेसरी बात करनी क्यों है है ना जैसे भी एक कमेंट आ रहा था प्रशांत नाम से आ रहा था शायद कि सिकंदर राव से मैं वहां से हूँ भाई तो क्या हुआ सिकंदर राव से मैं तो कह रहा हूँ तू मेरी मासी का बेटा है ठीक है बुआ का बेटा है मेरी का फिर क्या हुआ यहाँ पे पढ़ने आया कोई रिश्ते करवाने थोड़ी आया है तो क्या फर्क पड़ता है आप कहां से हो भाई हम सब भारतीय हैं और ये बात मुझे अच्छे से पता है या तो मैं पूछ रहा हूं कि सर आप कहां से हो फिर आप बता रहे हो जी मैं वहां से हूं पता चला कि कोई उम्मीद हो कहीं से कुछ तो तो ठीक भी है कहने का मेरा मतलब यह कि आप अपना डेटा लगा रहे हो यहां पे है ना इंटरनेट का अपना आप यहां पे पूरे के पूरे एमबी फूक के जा रहे हो उसके बाद में आप अपना टाइम भी खर्च करके जा रहे हो आए क्यों थे आप पढ़ने के लिए तो अपना टारगेट ये रखो कि आप उस क्लास में प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है उस क्लास में आपने क्या सीखा उस चीज पे फोकस कर लो ना बात समझ में आ रही है भाई आप ये भी तो सोचो मैपिंग की क्लास को मैं लिखकर आपके नोट्स बनवा रहा हूं मैं ये बात यहां पर खड़े होकर कहानियां सुना हूं आपको कि मैं वहां से बिलोंग करता हूं ये है वो है दुनिया भर की आपको भी लगेगा यार कोई लॉजिक है इन बातों का तो आपके कमेंट देख के फिर मुझे भी कभी कभी लगता है कि लॉजिक है ठीक है कितने मंथ में पूरा होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इनका नाम क्या सीमा चौहान इन्होंने पूछा है कितने मंथ में पूरा हो जाएगा ये कोई पेड बैच है मंथ में पूरा हो जाएगा हम एक क्लास में एक चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या फिर चाहे वो हमारा स्टेट हो और चाहे हमारी क्लास एक घंटे की हो या फिर ढाई घंटे की हो एक क्लास में एक टॉपिक को हम खींच देंगे फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन आपका ऑफ रहेगा उसके बाद में रेगुलर क्लासेस होंगी है ना अगर मैं बाहर हुआ यहाँ पे हुआ ही नहीं तो बात एक अलग है अदरवाइज मैं क्लास लूंगा जैसे मैं अपने पेड बैचेस में लेता हूँ वैसे ही रेगुलर लूंगा है ना और सीधा टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे ओके तो चलिए दोस्तों आराम से अब आप अपना डिनर करिए और रिविज़न करिए अगले सेशन में ज़रूर मुलाकात करते हैं रिव्यू ज़रूर दें क्लास का ठीक है और दोस्तों के साथ शेयर करना तो नैतिक कर्तव्य नैतिक कर्तव्य है ये याद रखोगे आप लोग